फिनिश अभी ये है फिनिश आयशा कहाँ आ रही है नाला नानी के पास इट्स थर्सडे टुडे एंड वेलकम बैक टू द चैनल फॉर मैं मम्मी के घर आई हूँ काफ़ी टाइम के बाद इट्स बीन अप्रॉक्स 3 to 4 months हो गए हैं बहुत ज़्यादा टाइम हो गया अदरवाइज पहले तो काफ़ी फ्रीक्वेंट था मेरा आना बट अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से वर्क की वजह से मैं नहीं आई और आयशा इज़ तो डैम हैप्पी विद नानू नानू के साथ ही ये तो बस इंजॉय करती है चिपकी रहती है बस नानू नानी वेदर बहुत अच्छा है बहुत प्लीजेंट है हवा इतनी फैंटास्टिक चल रही है मेरी मम्मी का घर एक्चुअली 3rd floor पे है तो इस वजह से हर वेदर यहाँ पे पता चल हर वेदर मीन्स गर्मी ज़्यादा ठंड ज़्यादा और प्लीजेंट वेदर या जैसे ये ठंडी हवा चलती है तो वो भी अच्छी कूल कूल एयर किसका गुड़हल अच्छा हाँ मैं पूछने वाली थी आपसे पानी ज़्यादा नहीं पर सूखेंगे नहीं वो देख सूखा पड़ा हाँ सूखा तो पड़ा है पर इतना भी सूखा नहीं हो क्योंकि उसके तो येलो येलो लीव्स हो गए हैं ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए और मेरे को लग रहा है ओवर वाटरिंग कर दी है हमने ना हाँ तो वो इस वजह से ख़राब हो रहा है पौधों में कसूर क्या जड़ें गल जाती हैं मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा बहुत अब इतना स्पेस नहीं है ना हमारी बैल्कनी में तो मैं सोच रही हूँ हैंगिंग प्लांट्स जो होते हैं ना पॉट्स जो होते हैं ठीक है लेकिन ओवर वाटरिंग वो भी है डर वो गर्मी के डर की वजह से ओवर वाटरिंग हो गई है शायद तो ये सदाबहार वाइट मेरे उसमें तो पिंक आ रहे थे और ये ना आई थिंक गमले बड़े बड़े हैं तो देखो फ्लावर का साइज ही बड़ा है ऐसा कुछ नहीं है नीचे ये देखो ये छोटा है हाँ फ्लावर का साइज देखो हाँ ये भी है ये डिफरेंट कुछ ऐसे इनकी स्पीशीज होती हैं ये सेम ही होता है पता नहीं मेरे पापा को प्लांटिंग का बहुत शौक है और ये सब है दे आर लॉट ऑफ ये देखिए लॉट ऑफ प्लांट्स ये यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरी छत भरी हुई है पापा ने अप्रॉक्स हाँ वहाँ भी स्नेक प्लांट इज ऑल्सो देयर अप्रॉक्स 20, 30, 40 प्लांट्स होंगे जिसको उगा तो लो पानी देने में हालत ख़राब हो जाती है गर्मियों में कुछ नहीं होता तो प्लांट्स को केयर की भी बहुत ज़रूरत है विदाउट केयर तो अदरवाइज दे वोंट सर्वाइव एंड गुड पार्ट गुड थिंग इसकी मेरे मम्मी पापा को मेरे पेरेंट्स को दोनों को जो है प्लांट्स का शौक है तो वो मम्मी जो है स्पेशली रेनी सीजन में लगाती हैं प्लांट्स सो देट वो जड़ पकड़ लें उसकी वो बहुत अच्छा है मुझे भी अच्छे लगते हैं एक ये स्नेक प्लांट बोलते हैं इनको आई थिंक बोनसाई हाँ बोनसाई भी है बोनसाई एंड ये स्नेक प्लांट्स दिस इज बोनसाई तो छोटे मोटे काफ़ी सारे और ये पापा ने शेड लगवा रखा है यहाँ पे वेदर एंजॉय करने के लिए ठंड हो तो यहाँ बैठ जाओ आंधी तूफान आए तो यहाँ बैठ जाओ वेदर एंजॉय कर लो बारिश आए तो भी यहाँ बैठ के वेदर एंजॉय कर सकते हैं अच्छा खासा और अभी अंधेरा हो जाएगा तो हम अच्छा आने स्टार्ट हो जाएंगे तो इसलिए हम ऑन टाइम आ गए हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए उसके बाद मैं गो डाउन अपने घर जाओ ट्रेन सीन ब्यूटीफुल ओके ये पता नहीं कौन सा है और ये जो है लेमन ग्रास टी में नानू के पास जाना है ठीक है टी में डालते हैं तो ये आई थिंक नींबू का है ये वाला नींबू का है ये एंड देयर आर अ लॉट बहुत क्रेजी हैं प्लांट्स के यस वॉशी नहीं बेटा ठंड लग जाएगी अभी शाम को वॉशी नहीं करना मॉर्निंग में आएंगे ना नानू के साथ बर्ड्स को हप्पा देने फिर वॉशी करेंगे ऑल राइट मॉर्निंग में आएगी ना आयशा आएगी ना मॉर्निंग में क्यों नानू के साथ नहीं होगी मॉर्निंग में बर्ड्स को हप्पा देने आएगी तो सही ज़रूर तो काफ़ी चेंज हो गया है मेरा भी आयशा का भी क्या हुआ कहाँ जाना है आयशा की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही है आज बस मॉम के पास मामा के पास फुल ऑन एंजॉय कर रही है
मस्ती कर रही है, पापा भी सो गए हैं। मॉम इज कॉलिंग, सी क्या कर रही है यहाँ पर। इतनी मस्ती, तुमको नींद नहीं आ रही है? बदमाश बदमाश, तुमको नींद नहीं आ रही है? ऐसे सो गई, मामा के पास सोएगी वहाँ। ठीक है, सुला लो, तो मुझे क्या चाहिए। मैं फैल के सोऊंगी यार, सुला लो, सो जाए तो। मैं ला रही हूँ उसकी वाटर, डाइपर पहना देती हूँ, सुला लो। वाओ दिला, सुला के तो देखो सोएगी कि नहीं, तभी तो मैं बाद में इसको एक दो दिन छोड़ के जाया करूँगी यहाँ पे। फुल ऑन मस्ती नानी के साथ। आज तो बस मन भर के, जी भर के है नानी और वो नतनी मिलाप। सुला लो सुला लो सुला लो। गुड नाइट। रात के 11:30 बज गए हैं और आयशा भी मेरी नानी के पास है, खेल रही है, क्योंकि यहाँ पे मम्मी के यहाँ घर जल्दी सो जाते हैं यहाँ पे एटलीस्ट 10 या 11 बजे तक, बट हमारी वजह से और थोड़ा सा लेट हो गया है। और हम इसको बुलाती हूँ क्योंकि वो भी सोएगी, थोड़ा सा लेटेगी, दूध वगैरह गर्म करके देना उसको, तब जाके 1.5 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद वो सोएगी। बट अभी तो बस नानी और मामा के पास ही है, फुल ऑन उनके साथ बात कर रही है, टाइम स्पेंड कर रही है, इतने टाइम से जो नहीं गई वो सब। देखिए कितनी देर में आती है पता नहीं। पापा भी सो जाते हैं जल्दी, बस हम ही लेट से सोते हैं यहाँ। यहाँ तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, आज तो थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज 11 बजे तक तो सोना ही है। और अपने घर में तो 1 बज जाते हैं 2 बज जाते हैं। चलिए उसको सुलाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ, बुलाती हूँ, तब जाके सोएगी, तब भी जाते सोते सोते 12:30-1 आराम से बज जाएगा उसको। सो टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू सून।